चंद्रपुर के किसान नेता किशोर तिवारी ने आज पत्र परिषद लेकर सरकार में बड़ी साख रखने वाले उप मुख्यमंत्री के ऊर्जा खाते, सरकार के मंत्री और चंद्रपुर से सांसद के लिए चुनाव लड़े विद्यमान मंत्री सुधीन मुनगंटीवार पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इस वक्त उन्होंने कहा कि सीट जांच की मांग की है। किशोर तिवारी ने महाउष्णिक विद्युत निर्मित केंद्र के ठेकेदार रंजीत सिंह सलूजा पर भी गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि इस मामले में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं, जिनकी SIT द्वारा जांच होनी चाहिए। TPS मध्ये हा दलाल आहे, हा निवडणुकीच्या काळात पैसा पुरवताना पाहण्यात आला आहे। एक अरे ती भाजपच्या उमेदवाराला तुम्ही म्हणजे असं फिरून फिरून म्हणत आहात, तर तिथे उभा कोण होतं तुम्हाला माहित आहे? हो तो अनामत रक्कम कोणाची वाटली आहे? हो तो ऊर्जा मंत्री महाराष्ट्राचे देवेंद्र फडणवीस आहे, त्या ठिकाणी KTPS चालवत आहे आमचे सुधीर मुनगंटीवार, इथे बावनकुळे साहेब चालवत आहेत। मी सांगतो ना तुम्हाला, अरे DPTCच्या फंडामध्ये बघा 30%, 40%, 50% कमिशन आहे। अजून किती स्पष्ट बोलू, आता बोला। मी आहे ना, माझे मित्र आहेत ते सुधीर मुनगंटीवार, यांना मी लहानपणापासून पाहिलं आहे, देवेंद्रला पाहिलं आहे, तर मी मला फार दुःख होते। किशोर तिवारी ने भ्रष्टाचार का पैसा अभी के लोकसभा चुनाव में सुधीर मुनगंटीवार के कैंपेन में चलाने का भी आरोप लगाया है। वेगळा आहे, आपण पालकमंत्री झाला 4-5 जिल्ह्याचे, आपण तिथल्या सगळा खर्च तुम्ही बघावा म्हणतो, सगळा खर्च। ऊर्जा खाते पर पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोप लगते आ रहे हैं। बिजली बनाने में महंगा कोयला यूज किया जाता है, जिससे आम जनता को महंगी बिजली लेना पड़ता है। इस तरह से बिजली का पैसा चुनाव कैंपेन में यूज किया गया, तो सरकार को जनता के रोष का सामना करना पड़ेगा। सरकार ने किशोर तिवारी के आरोपों को गंभीरता से लेना चाहिए और SIT द्वारा जांच करना चाहिए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ प्रकाश श्रृंखलवार की रिपोर्ट।